तारिक रोड पे एक मशहूर चाट है, लजीज मिक्स फ्रूट चाट। आज मैं यहाँ पे डायरेक्ट आया हूँ, ऑफिस में तो दो तीन दफ़ा मंगा चुका हूँ, आज यहाँ डायरेक्ट बैठ के फ्रेश खाते हैं और उसका आपको फीडबैक देते हैं। दोनों किस्म की फ्रूट चाट आ चुकी है, ये मसाला चाट है, ये क्रीम चाट है। मसाला चाट पहले, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फ्रूट्स फ्रेश हैं, फ्रूट्स कड़क हैं, बट एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें चाशनी जो है ना वो बड़ी तेज़ी से फील हो रही है। ठीक है, हर फ्रूट चाट वाला मिठास होती है, बट इसकी मिठास बहुत ज़्यादा फील हो रही है। क्रीम वाली फ्रूट चाट में पाउडर वाले दूध की स्मेल बड़ी तेज़ी से फील हो रही है। मुझे इनकी क्रीम की बेस समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान फ्रूट चाट है ना, उसकी क्रीम आपको समझ ही नहीं आती, यानी आपको फील नहीं होता कि क्रीम कोई चाट से अलग है। यहाँ आपको ना मुंह में क्लियर फील हो रहा है वनीला टाइप फ्लेवर, विच इज़ नॉट गुड। सादी 140 की है, क्रीम वाली 150 की है। ओवरऑल इतनी बुरी नहीं है, मगर अगर मैं इसको पाकिस्तान फ्रूट चाट से कंपेयर करूँ, ताले वाली तो बिल्कुल ही आउट हो जाती है। तो मुझे मसाला चाट में चाशनी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बाकी क्रीम वाली कि कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रहा, मगर वो काफ़ी फ्लेवर्ड क्रीम है, वो एम्पावर कर रही है फ्रूट को। तो अगर आप मुझसे पूछें पाकिस्तान फ्रूट चाट से बेहतर नहीं है, साथ साथ में एक और बात बता दूँ, मुझे फ्रूट चाट में ना फ्रूट चाहिए, शशके जेली चॉकलेट क्रीम की ज़्यादती ये सब मुझे नहीं समझ आता। आप मुझे सादा फ्रूट दो, सादा फ्रूट में चीज़ें मिक्स करके तो समझ आता है। तो उसके हिसाब से अगर क्रीम फ्रूट चाट है ना, तो सिर्फ फ्रूट और क्रीम का फ्लेवर होना चाहिए और कुछ नहीं। तो बस ये फीडबैक है। मेन तारिक रोड पे चौक पे है, आप यहाँ पे आके भी खा सकते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि फूड पांडा पे अवेलेबल है। ओके भाई, थैंक यू।